दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, YouTube ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि YouTube Shorts क्रिएटर को हर महीने $100 से लेकर $1000 तक बोनस मिलेगा। जिसका भी वीडियो परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो YouTube मैनुअली या फिर जैसे भी सेलेक्ट करना होगा YouTube को, थाउजेंड ऑफ क्रिएटर्स को वह हर कंट्री से सेलेक्ट करेगा जिसमें उनको बोनस देगा। तो जो बोनस का डेट है वह हर महीने के 8 से 10 तारीख के बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका चैनल मोनिटाइजेशन होना चाहिए। अगर आपका चैनल मोनिटाइजेशन भी नहीं है उसके बावजूद भी आपको बोनस मिलेगा, तो अगर जिनका चैनल मोनिटाइज है उनको तो YouTube Google AdSense पे मिल जाएगा, Google AdSense पे उनको मिल जाएगा बोनस जो होगा, वह क्लेम कर सकते हैं हर महीने के 25 तारीख तक। और जिनका चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ है उनको 8 से 10 तारीख के बीच में नोटिफिकेशन सेक्शन में उनको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसके थ्रू वह अपने बोनस को क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि यार यहाँ पर अगर YouTube सेलेक्ट करेगा तो हम उसमें कैसे आ सकते हैं, यानी कि हमारा चैनल कैसे सेलेक्ट होगा, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। और साथ ही हम यह सभी अभी बात करने वाले हैं कि सेलेक्ट कैसे होंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। और दोस्तों यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी YouTube Shorts क्रिएटर कैसे सेलेक्ट होंगे, उनके लिए क्या YouTube देखेगा, यानी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो दोस्तों अगर सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके लास्ट 180 डेज़ के अंदर में एक कम से कम शॉर्ट वीडियो अपलोड होना चाहिए आपके चैनल पर। तो दोस्तों सबसे पहला तो यह एलिजिबिलिटी हो गया, और दूसरी बात यह हो गई कि आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट्स या कम्युनिटी गाइडलाइंस आपका चैनल जो है फॉलो करते रहना चाहिए, यानी ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, गाइड स्ट्राइक नहीं लगा होना चाहिए आपके चैनल पर। और साथ ही अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है कि कोई भी लोगो वाला वीडियोस जो सोशल मीडिया से उठाया हुआ वीडियो हो गया, जैसे इंस्टाग्राम रील्स से हो गया या फिर टिकटॉक वगैरह स्नैक वीडियो या फिर ये जितने भी सोशल मीडिया का शॉर्ट्स वीडियो वाला हो गया, तो वह आपको उठा के नहीं डालना है। और ना ही कोई वीडियो जैसे मूवी क्लिप वगैरह हो गया या दूसरे का कंटेंट आपको चोरी करके नहीं डालना है, आपको खुद ही अपना कंटेंट क्रिएट करना है, एकदम ओरिजिनल कंटेंट होगा तभी आपको बोनस मिल पाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आ जाती है कि कंट्री, अभी कुछ ही कंट्री में यह जो YouTube Shorts क्रिएटर के लिए बोनस मिलने वाला है यह कुछ ही कंट्रीज़ में अवेलेबल है, जिसमें कि हमारा इंडिया भी एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर इतनी सारी बातें आ गई। और दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी बात आ जाती है यहाँ पर कि हमें कैसे फ़ंड मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा होता है कि मान के चलिए इस महीने में मैं एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट करता हूँ, जिसमें कि क्या होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ कि उसमें वीडियो अपलोड करूँगा, तो इस वीडियो, ये जो मैं वीडियो शॉर्ट वीडियो डालूँगा, इसका जितना भी वीडियो का परफॉर्मेंस है इसको अगले महीने YouTube देखेगा। और YouTube देखने के बाद में अगर एलिजिबल होता है वीडियो तो अगले महीने इसका पैसा मिलेगा। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ एलिजिबिलिटी है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप के आप वीडियो अगर बनाएंगे तो आपका जाने का चांसेस हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत से लोग क्या करते हैं, शॉर्ट वीडियो बहुत ज़्यादा अपलोड करने लगते हैं जिसमें वह क्वालिटी कंटेंट नहीं दे पाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक ही वीडियो बनाएं लेकिन उसमें एक घंटा दो घंटा ना देकर आप पूरे दिन का टाइम दें, पूरे दिन का टाइम, यानी वहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, पूरे दिन आपको एक अच्छा सा कंटेंट ढूंढना है और उसको एक सस्पेंस तरीके से आपको बताना है। और जब आप इतना मेहनत अगर वीडियोस पर करेंगे तो आपके सामने एक ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा जो कि क्वालिटी में एकदम सुपर्ब होगा। तो यही कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अपने YouTube Shorts को बोनस के लिए क्लेम करवा सकते हैं, यानी कि आपके मिलने की उम्मीद ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और भी YouTube Shorts से अगर बोनस से आपको कुछ भी अगर
आपके पास सवाल है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप हमारे किसी भी वीडियो सेक्शन के नीचे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर से ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।